तो रामाशंकर मिश्रा जी, हमारी जो बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है और ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होगी। राइट, जी तो जी मैं आपको दो लिंक भेजूंगा। एक लिंक जी है आपको अपराध मुक्त भारत का ऐप के माध्यम से जुड़ने का, और जी इसके बाद जो दूसरा है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक भेजेंगे जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जी और हम इसके बाद एक रणनीति तय करेंगे कि ये जी सब चीजें, जय गुरुदेव जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सभी सभी भविष्यवाणियां 2023 से ही कुछ ना कुछ शेप लेना चालू कर लेंगी, और देव जी जी 2024 से तो उनका जमीन पे उतरना शुरू हो ही जाएगा। जी जी शुरू और हो नहीं जाएगा साहब, वो शुरू हो चुका है। जी नहीं, उसको इस ढंग से नहीं कहेंगे, उसको जी जी अलग देखिए, जो आप कह रहे हैं वो जी स्पिरिचुअल तरीके से आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। हम जी इसको भौतिक तरीके से कहेंगे। जी भौतिक तरीके से हमारा कहना, जी हाँ, भौतिक तरीके से हमारा कहना ये है कि जी हमारी हर समस्या की जड़ ये राजनेता है, जो कल उस दिन आप भी कह रहे थे, ठीक है ना। जी हाँ जी इन इन दुष्टों ने अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों ने आपकी सेवा के लिए नहीं बनाए थे, भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल बीत जाने के बावजूद भी वही सब नियम कानून अपनी भोली भाली जनता पर थोप के रखे हैं। जी जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बड़ी क्रूर और लाटसावी बनाई थी, जिसके जी माध्यम से चंद मुट्ठी भर अंग्रेज हाँ भारतीय लोगों का ही उपयोग करके भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, उनको अपमानित करते थे, शोषित करते थे, और उसके लिए जो कंडक्ट रूल और जो व्यवस्था बनाई थी, आज वो व्यवस्था यथावत आपके ऊपर थोपी हुई है। व्यवस्था में बैठा हर व्यक्ति आज बादशाह है, और उसके अधिकार दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, और आप दिन प्रतिदिन बड़े से बड़े गुलाम होते जा रहे हैं। जी, वही नहीं बल्कि उसमें हमारे आपके ही लोग सहयोग कर रहे हैं आज भी। देखिए, वो पहले समय जैसे उनको लाभ मिलता था, उनको जो है ना कहीं का जो है राजा कह देते थे, राजा राम मोहन राव। अब राजा जी राम जी मोहन राव एक क्लर्क थे, और सती प्रथा जिसके लिए उनको महिमामंडित कर रहे हैं, भारत में कोई सती प्रथा नहीं थी। आप यदि जी राजीव दीक्षित जी को सुनिए तो आपके आंखें खुली रह जाएंगी कि वो सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट था वो किसी को जी आग में जलाने का नहीं था, वो बहुत ही नोबल जो है ना चीज थी, जी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था वो, कि जी पति के मरने के बाद उस महिला का कौन जो है ना संभालेगा, ये कॉन्सेप्ट था वो, मरने मरने का कॉन्सेप्ट नहीं था वो। और जी जी जो अपने आप को बहुत बड़ा कह रहे थे वो यूरोप और इंग्लैंड और जो है ना ये ब्रिटेन वाले, ये दुष्ट लोग कहते थे कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती है, और जी ये कहते थे अपनी महिलाओं को बिच, और उनको पत्थर मार मार के जो है ना मार देते थे, जिसको बिच हंटिंग कहा जाता था। तो सती प्रथा यहां थी या वहां थी? ऐसा है साहब कि हम लोगों को जो ये गलत इतिहास बताया जा रहा था, और आज भी उसी नक्शे कदम पर लोग चल रहे हैं, और देखिए देखिए, कोई मैं अंतर उसका नहीं होता। उसका एक रीजन आपको बता दूं कि जी हमारे विद्वान देशभक्त नहीं थे, तो राजनेता भी देशभक्त नहीं थे और विद्वान भी देशभक्त नहीं थे। जी विद्वान और ये राजनेता मिलके उन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया है। जिन बनाया जी हाँ जिन विद्वानों ने आपका इतिहास झूठा गढ़ा है, उन इतिहासकारों को पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि से विभूषित किया गया। उन्हें ऐसा है साहब, मतलब कि एक मिनट उन्होंने एक मिनट छोटी छोटी सी और बात बता दूं आपको, वो ये जी है कि और यही इतिहासकार फिर सभी कमेटियों में रख दिए गए, तो इनके बिना अप्रूवल के कोई किताब नहीं छप सकती थी।
जी तो इन्होंने सिर्फ वही बातें पब्लिश होने दी जो इन्होंने गढ़ी थी, जी और इतने लंबे समय तक जो है ये बड़ा लज्जा का विषय है कि आपके सुनहरे इतिहास को छिपा दिया गया, जो जी उत्पीड़न का इतिहास है। जैसे गुरुकुल थे, उन गुरुकुल को नष्ट करने के लिए जो अंग्रेजों ने उत्पीड़न मचाया था, आचार्यों के हाथ काट दिए थे, उन्हें जेल में भर दिया था, क्या क्या उत्पीड़न नहीं किया गया है, किसी भी इतिहासकारों ने नहीं लिखा। हाँ, इसी नहीं इसलिए नहीं लिखा सर कि ये जो थो उस समय ये सरकार जो थी हमारी, इस तरह से इन लोगों को लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और ये लोग उसके कठपुतली बन करके जैसी उन लोगों की मनसा थी उसी चीज को लिख करके ओके कर रहे थे इन्होंने। तो फिर ये विद्वान देश प्रेमी तो हुए नहीं, ये तो देशद्रोही कहलाए, सवाल चाहे मजबूरी मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए ही क्यों ना किया हो। अरे साहब, मजबूरी क्या थी इनके सामने? अरे उन लोगों के पास थी मजबूरी, जो बेचारे इस देश के लिए शहीद हो गए, उन लोगों को इतना बड़ा बड़ा ऑफर दिया गया, हर चीज की उनको कहा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के आगे घुटने नहीं टेके। और अगर इन लोगों ने घुटने टेक दिए तो इनको मतलब कैसे कहा जाएगा कि हमारे देशभक्त हैं ये? देखिए मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज ये बताऊं, ये बात जी हमको छोड़ के या आपको छोड़ के या चंद कुछ लोगों को छोड़ के और कोई कर रहा है क्या? जी नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं कर। लेकिन साहब आवाज उठ चुकी है, अब उसको कोई दबा नहीं सकता, देखिए आवाज जब देखिए उठ। देखिए देखिए जी देखिए, नहीं, आवाज नहीं, उसे उस चीज में कन्वर्ट करना है जी जिससे कि ये दुष्ट राजनेता पराजित होकर हम जो है हर चीज को जो गलत है उसको बदल पाएंगे। तो जी आप 21 लक्ष्य हैं हमारे जिसके क्राइम फ्री भारत के, और मुझे जान के बहुत, देखिए मैं जय गुरुदेव जी को नहीं जानता था, ये बात मालूम नहीं मैंने बताई या नहीं बताई, उस समय कहा था क्या मैंने? अब मुझे तो याद नहीं है फिलहाल। हाँ हाँ शायद नहीं भी कहा होगा, लेकिन मैं आपको जी बता रहा हूं कि मुझे जो है आपके अशोक शर्मा जी ने खोजा, मालूम नहीं कहाँ से खोजा, ठीक है ना। जी और वो तब से जब से उन्होंने मुझे खोजा, वो लगातार लगभग प्रतिदिन एक या दो बार मुझसे बात करते हैं, राइट। जी जी और हाँ वही मुझे आपके उस आयोजन में पकड़ के ले गए थे, वही मुझे जी इंदौर पकड़ के ले गए थे, और वही मुझे अभी मथुरा पकड़ के भी ले गए थे। जी जी उन्हें मुझे मालूम है कि ये वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गुरुदेव जी ऐसा करने की प्रेरणा दे रहे हैं, राइट। जी 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 अब हाँ हम एक आश्चर्यजनक चीज आपको बता दें जो आपके या आपके संज्ञान में, छोड़ो मेरे संज्ञान में भी नहीं थी। जी जो 21 लक्ष्य क्राइम फ्री भारत ने बना के ठोक पीट के जो है ना, जिनके ऊपर क्राइम फ्री भारत मिशन का पूरा वो ढांचा बनाया गया है और कैसे वो जमीन पे उतरा है उतरेगा, इसका खर्च विहीन मॉडल बनाया गया है, 5 पैसे बिना खर्च किए वो जमीन पे उतर जाएगा, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, ऐसा मॉडल है वो, राइट। जी ये 21 लक्ष्यों में मुझे जान के बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि जय गुरुदेव जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो इन 21 लक्ष्यों में समाहित है, और इन जी जी लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए कानून में क्या परिवर्तन होना है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज होना है, तो ये हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल है। जी तो ये काम पिछले 5 वर्षों से या उसके अधिक समय से जय गुरुदेव जी मुझसे करा रहे थे, जी जी इसको तो गुरु महाराज ने पहले भी कह दिया था कि बच्चों और इनका वो जो है मुझे जो है एकाएक मेरे दिमाग में ढेर सारे चीजों का जो पूरा क्लियर विजन दिखता है मुझे, जी तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जय गुरुदेव जी का ही प्रताप था। नहीं, और जो बतिया आप कह रहे हैं जरा उस पे आप थोड़ा सा सुन लीजिए हमारी बात। हाँ गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चू वो अवतारी शक्तियां जन्म ले चुकी हैं, जिन अवतारी शक्तियों को आगे काम करना है, उनको अभी खुद नहीं मालूम अपने बारे में कि वो क्या हैं, समय आने पर
उन लोगों को उनकी शक्तियों का एहसास करा दिया जाएगा, वो अपने आप जो है इस देश के लिए काम करना शुरू कर देंगे इसको। तो हो सकता है गुरु महाराज जो बताए थे उन शक्तियों में आपका भी नंबर हो। मालूम नहीं है, तो जय गुरुदेव जी को ही मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका, कहीं ना कहीं उनका शक्ति तो पीछे काम कर रही थी। अब अवतारी है कि नहीं है ये तो भगवान जाने, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, जैसे सभी लोग जन्म लेते हैं वैसे ही जन्म लिया है ईश्वर ने जो है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि यदि मैं आईपीएस बना हूं तो किसी शक्ति ने बनाया है इसे। जी 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 और आप ये जान के ताज्जुब होगा कि इस विकट जो है ना राजनीतिक युग में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे किसी ने उसके पूरे सेवा काल के दौरान जो है ना सिफारिश ही ना की हो, जो 7 साल डीजीपी पद पे रहा हो। आपको ऐसा विश्वास होगा क्या? जी ऐसा हुआ है। हम्म, तो ये तब तक नहीं हो सकता है। बहुत सारे नेता मंत्रियों ने कहा कि साहब हम कई बार आपसे लड़ने के लिए सोचते हैं, मालूम नहीं आपने क्या है कि आपके सामने आते हैं तो मेरी जबान बंद हो जाती है। जी 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 ये एक मंत्री का जो है, जब मैं गुना एसपी था तो उसने सर्किट हाउस में उसने अपने मुंह से कहा, अच्छा उसने कहा कि मैंने आपके डीआईजी से कहा, मैं एसपी रैंक में था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके डीआईजी से कहा कि एक व्यक्ति है इसको मैं चाहता हूं कि आप वहां पोस्ट करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, डीआईजी ने जवाब दिया कि मैं गुना को छोड़कर आप जो भी कहेंगे वो कर दूंगा, मैं गुना एसपी से नहीं कहूंगा। बताइए, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि डीआईजी आईजी जो मुझे बहुत चाहते थे उन्होंने कभी भी किसी गलत काम के लिए मुझसे नहीं कहा, और किसी राजनेता को गलत काम कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं नहीं लोग ये जानते थे ना कि आप उस ढांचे में नहीं ढल पाओगे, इसलिए लोगों ने आपका इस्तेमाल नहीं किया, तो इस्तेमाल करने से चूकते ये लोग। हाँ, मुझे लगता है कि ये देवी शक्ति करा रही थी, नहीं तो ये तो जो है ना आपको ऐसा निचोड़ के रख देंगे कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई ईश्वरी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। तो जी जी तो जी आज उस समय चाहे मुझे ना मालूम हो, लेकिन आज तो मुझे मालूम है कि मेरी छत्रछाया जो है ना के ऊपर कोई ना कोई जो है शक्तियां काम कर रही थी, जिसने कभी भी मेरे साहस में, मेरी आवाज की बुलंदी में कमी नहीं आने दी। जी 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 और ऐसी बात नहीं है कि कठिन परिस्थितियां नहीं आई, कठिन परिस्थितियां आई और हवा के जैसे बादल उड़ता है ऐसे उड़ गई। उन्होंने मुझे किंचित मार्क भी जो है ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। एक से एक बड़ी चीजें आई। एक जो है ना, एक जज ने जो है ना कह दिया कि साहब जो है ये तो एसपी जो है ना हमारी बात ही नहीं सुनता है, इसे तो निलंबित कर दिया जाए। जी 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 वो उसी जज ने जब जो जजमेंट पे बात आई तो उसने 3 बातें कही। उसने कहा, अरे ये तो मेरे बेटे जैसा है। अब एक व्यक्ति कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट में खड़ा है, हाई कोर्ट में, और जज पे बैठ जज कह रहा है ये मेरा बेटा है। देखो कितना बड़ा चमत्कार है, ठीक है ना। फिर वो कहता है मैंने सोचा था कि कोई खूसट एसपी होगा, ठीक है ना। और फिर तीसरी बात कही कि आप मेरा जजमेंट पढ़ लेना, नेक्स्ट केस। उसने एक भी चर्चा नहीं की जिसके लिए उसने कॉन्टेम्प्ट दिया था, क्योंकि जो कॉन्टेम्प्ट नोटिस था उसकी एक भी लाइन सही नहीं थी, एक भी लाइन सही नहीं थी। मतलब न्यायालय का एक कॉन्टेम्प्ट नोटिस जिसमें वो कह रहा है कि एसपी को निलंबित कर देना चाहिए, उस आदेश की एक भी लाइन सही नहीं। और यही कारण है जज महोदय ने, अब चर्चा क्या करते हैं, अपनी भद्द पटवाते क्या चर्चा करके। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो इसलिए चर्चा नहीं की। अगर भाई आप जिसको कॉन्टेम्प्ट का नोटिस दे रहे हो वो अपराधी की कैटेगरी में कटघरे में खड़ा हुआ है और आप उससे कह रहे हैं कि मेरा बेटा जैसा है। आप तो ये इसका मतलब है कि कहीं से कोई शक्ति तो जरूर उनको इंगित कर रही थी, इसलिए मतलब किस तरह से आप बोलिए।
भाई 3 लाइन में इतनी बड़ी चीज, इसमें साला पूरे भारतवर्ष में भूकंप आ गया कि एक एसपी को निलंबित करने के लिए हाई कोर्ट कह रही है, और वो जो है ना ऐसी 3 लाइन में निपट रहा है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो ये तभी होता है जब आपके कार्य में तो दृढ़ता होती ही है, साथ में ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ आपके संरक्षण में खड़ी हुई है। जी। अरे ठीक, इसी तरह से हम लोगों को तो साहब बहुत बड़ा अनुभव है इस बारे में कि गुरु महाराज ने हम लोगों को इतनी कसौटी पे कस करके आज अब मैं तो हम लोग जयगुरुदेव जी को जानता ही नहीं था, तो मैं जयगुरुदेव जी का नाम कैसे लेता नहीं नहीं, ठीक मैं है ये कह आप रहा हूं कि मैं जयगुरुदेव जी को नहीं जानता हूंगा, लेकिन जयगुरुदेव जी तो मुझे जानते ही थे ना। जी। हाँ आप सही कह रहे हैं कि आप ना जाने वो अलग बात है, लेकिन जो जिस मतलब की शक्ति जिससे काम लेना है उसके तो आगे पीछे हमेशा वो लगी रहती है कि उसको कैसे हमको गाइड करना है, कैसे क्या करना है, ये हम आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जिसको जो काम करना है वो सारी व्यवस्था बना के रखा है पहले से। अब जो है मैं आपको एसएमएस से 2 लिंक भेजूंगा, एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है और दूसरा जो है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है, जिसमें 2700 वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां कैसे जमीन पे उतरेंगे। आप हर जब अपने जब उनकी जो है भविष्यवाणी को उसमें देख पाएंगे, शाकाहारी, नशा मुक्त, व्यवस्था परिवर्तन, संविधान परिवर्तन, विधान परिवर्तन, जो न्याय, जो ऐसा न्याय होगा वो सब देख पाओगे आप उसमें। वो तो साहब सब हमारे लोगों के पास सब लिखित रखी है, हम लोग तो उसको कलेक्ट करके वैसे ही रखे हैं। हम ये कह रहे और हैं आप उसे मिलान कर पाएंगे, सब भाषा अलग होगी और उसमें जी मेथोडोलॉजी होगी कि ऐसे जमीन पे उतरेगा, क्योंकि गुरुदेव जी ने तो सीधी भाषाओं में बात कही है ना, यहाँ तो जमीन पे कैसे उतरेगी वो स्ट्रेटेजी है ना। जी 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 तो और हम हमारी लोगों ने हाँ हमारी भाषा और गुरुदेव जी की भाषा एक नहीं है, उसे आपको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगी। जी 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 वो दोनों अलग अलग तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, भाषा के हेर फेर से कोई अंतर थोड़ी पड़ जाएगा। ओ हम लोगों ने तो गुरु महाराज के दिशा निर्देश में दूरदर्शी के बैनर तले हम लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा है। अब जो है ऐसा इलेक्शन होगा कि सभी जी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, और 2024 के चुनाव में तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पराजित होंगे। चलिए, वक्त बताएगा क्या कैसे है। जी नहीं, वो वक्त तब आएगा जब हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसे अपने आप नहीं आने वाला है। नहीं, क्यों वो तो ठीक क्यों है, क्योंकि हमारी देखिए आप देखिए ऐसा है, क्या जी कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जी जी तो हमें जब यदि हम अपनी मदद नहीं करेंगे, यदि हम जी अपना काम नहीं करेंगे, तो जी आप ये कैसे मान सकते हैं कि आप जो है ईश्वर आपकी मदद करेगा। नहीं, उसके लिए अब हाथ पैर थोड़े हम एकदम से बांध के बैठेंगे तभी ईश्वर हमारी मदद करेक्ट। करेगा। तो हम हम ये कह रहे हैं कि आपको इसमें बड़ी भूमिका निभाना है, रमा शंकर मिश्रा जी को भूमिका निभाना है। अब मैं आपको समझाऊं कि क्या भूमिका निभाना है। बिल्कुल समझाइए बताइए। अच्छा, आप जो है लगातार जो है प्रवचन और सत्संग में जाते हैं, जी कितने दिन में कितने दिन सत्संग में रहते हैं? और कोई हमारे पास इस तरह से बायोडाटा तो है नहीं कि हम, लेकिन अभी की जैसे मतलब यहाँ ऑन ए औसतन, औसतन जो है ना, मेरे ख्याल से आपका 50% टाइम तो सत्संग में ही जाता है। जी, जाता है, और इधर जो है आजमगढ़, डोहरी घाट और मऊ, ये हमारा तो बहुत पसंदीदा क्षेत्र है, वहाँ पे लोग अक्सर बुलाया करते हैं, अच्छा, और डेट लगी बेटी। आपके आपके समकक्षी दूसरे भी सत्संगी होंगे जो लोगों को जय गुरुदेव जी की वाणियों के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में समझाते होंगे। जी, हाँ, अब हमें उनकी सूची बनाना होगी जी और हमको जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को उतारने के लिए हमने जो मॉडल बनाया है, बस उस तक जन जन तक पहुंचा देना है, बस बदलाव आ जाएगा। जी अब इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं समझाता हूं।
जी पहले तो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 2700 वीडियो हैं, राइट? तो जी अपने समय के हिसाब से आपको उन वीडियो को सुनना होगा और ये आकलन करना होगा कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से कौन सी वीडियो की भाषा और परिस्थितियां आपके लिए सूट करेंगे, उसकी पहचान करना है, ठीक है ना? जी अब जैसे जहां पे आप सत्संग करते हैं वहां पे माहौल शुरू करने के लिए आप पहले भाव बना के कि देखिए ऐसा ऐसा भाषाशैलियां की हैं, इस बारे में जो है एक मैथिली शरण गुप्त जी जो है उन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं जो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों से संबंधित हैं, राइट? तो जी मैं चाहूंगा कि आप उसे देखो, राइट? फिर अपन ने कोई प्रवचन दिया, फिर बीच में उस सपोर्टिव अपन ने जो आपने बात समझाई उसी के तहत जो बात का वीडियो हो वो वीडियो आप पहचान के रखिए, फिर उस वीडियो को चला दीजिए, राइट? अब जी इस काम की करने के लिए क्या चाहिए होगा अपन को? एक प्रोजेक्टर चाहिए होगा, राइट? और एक जी स्क्रीन चाहिए होगी, राइट? तो जी आजकल हर शादी विवाह में सब जगह पे ये होने लगा है, तो हम हाँ लोगों को प्रेरित करके एक प्रोजेक्टर, एक वो ये व्यवस्था अपन कर लें, ठीक है ना? जी और एक ये व्यवस्था ये भी कह करें जो आप प्रवचन हैं उनको भी रिकॉर्ड करना चालू करो, तो आपके प्रवचनों को भी हम क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे। आपको ये जी जानकारी है कि जब आप प्रवचन दे रहे थे वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, आपको ये जानकारी है या नहीं है? नहीं, इसके बारे में बताया तो शर्मा जी ने हमको, लेकिन अब हम वो लाइव उसके टेलीकास्ट हो रहा था, अभी अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं आपको भेजूंगा, अच्छा आपके अच्छा आपके ठीक खुद के जो है ना उसकी लाइव टेलीकास्ट की हम वीडियो भेजेंगे, वो जो है ना लिंक भेजेंगे, वो उसी समय लाइव टेलीकास्ट हुआ था, अच्छा अच्छा ठीक जो एक बगल में हमने यूनिट लगाया था ना, जी हाँ जी आपने देखा होगा, एक सिस्टम लगाया था हमने वहां पे, उसके हाँ 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 देख रहे थे जी थ्रू जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जी तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जो आपकी बात है वो जो है रिकॉर्ड होके आप उसे, आप टेलीग्राम का यूज करते हैं क्या? हाँ तो टेलीग्राम में बड़ी फाइल आ जाती है तो हाँ उसको जो है छोटे छोटे उसमें भागों में तोड़ के बीच बीच में उसको बंद करके रिकॉर्ड करने वाले को, जिससे 2 GB से बड़ी ना हो, वो आप मुझे भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा, उसकी रीच सभी भक्तों तक पहुंच जाएगी। तो अभी जी आपकी आवाज वहां जो सामने 100, 200, 300, 500 लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंच रही है, फिर वो दुनिया में किसी कोने पे बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाएगी। हम एक बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं अब ये तो हो गई बात पहुंचाने की, अब हमें लोगों को जागृत करना है, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि एक राक्षस था जिसकी जान तोते में थी, ठीक है ना? जी ये राक्षस की जान जो ये तोता है ये नेता है, राइट? जी जी आज के सभी राक्षसों की जान इन राजनेताओं में बसी हुई है, जब तक हम इन राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे तब तक नई व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, राइट? जी अब ये कभी आप अपने उसमें ततोल के बताइए कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि सब राजनेता पराजित होंगे, ऐसा कुछ कहा होगा जरूर भविष्यवाणियों में, मुझे नहीं मालूम है लेकिन जरूर कहा होगा। गुरु महाराज ने ना, हाँ 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 सब कहा है, सब कुछ वो बहुत खुल के बोलते थे गुरु महाराज इस चीज पे। अच्छा, हाँ तो हाँ मैं वही कह रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि वो कैसे हारेंगे। ये बिना 5 पैसे खर्च करने वाली व्यवस्था है, जो आप रूटीन काम कर रहे हैं उसी के जी तहत वो होगा। बात आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ रहे हैं तो इसमें बेसिकली हमें लोगों को जोड़ना है और उसके लिए ऐप है, जी राइट? और इस ऐप के माध्यम से जैसे पहले आप जुड़ गए, राइट? जी तो जो लोग वहां पे इकट्ठे हों, एक रजिस्टर रखना है जिसमें उनके नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, और जब आपका सत्संग खत्म हो जाए
तो उनसे ये पूछना है कि वो सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहेंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका में, जी राइट? तो उसके पहले मुझे आपको समझाना होगा कि सदस्य भूमिका क्या है और चंद्रगुप्ती भूमिका क्या है, जी क्योंकि अभी तो आपको मालूम नहीं होगा, है ना? वाजिब है, जब आपने सुना ही नहीं है तो आपको कहां से मालूम होगा, ठीक है ना? जी जी तो सदस्य वो प्राणी है जिसने कहना चाहिए कि वो अच्छा भारत तो चाहता है, जी वो 21 लक्ष्यों को और गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पे अवतरित देखना चाहता है, खुद के लाभ के लिए और अपने बच्चों के लाभ के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। जी लेकिन उसकी खुद की सोच और क्षमता और परिस्थितियां उसे सामने आके लड़ने की शक्ति और इजाजत नहीं देती है, नहीं देते जी। राइट? तो ऐसे व्यक्ति को हमने सदस्य कहा है जिसे पर्दे के पीछे काम करना है, राइट? और जी काम क्या करना है, उसके लिए एक सदस्य संकल्प है कि उसे अपने लोगों को जो है ना 90 लोगों को ऐप के माध्यम से जोड़ना है, ठीक है ना? तो जी उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उसे अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जो आसपास रहते हैं उनको जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, जो उसके विभिन्न सर्कल हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है, आसपास के जो विद्यार्थी और युवा हैं उनको जोड़ना है, आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जोड़ना है, और आसपास के जो अच्छे काम करने वाले समाज सेवी संगठन वगैरह हैं उनको जोड़ना है, और कुल 90 लोगों को ही जोड़ना है। 90 लोगों को जोड़ने के साथ ही उसका सदस्य संकल्प पूरा हो जाएगा, क्लियर? अब आता है चंद्रगुप्ती संकल्प। तो चंद्रगुप्ती संकल्प क्या कह रहा है कि भाई हम तो पर्दे के सामने आके फ्रंट क्रीज पर खेलेंगे और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। तो फिर सवाल आ गया, चंद्रगुप्त है कौन जो स्थापित कर रहा है, क्या ये चंद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त एक प्रतियोगिता है अपने लोगों को जोड़ने की, राइट? तो जो सदस्य संकल्प में ही भी आपने अपने लोगों को ही जोड़ा है, लेकिन सदस्य संकल्प जो है 90 लोगों को जोड़ने के साथ पूरा हो जाता है। यदि इसके बाद भी आप जोड़ते हो तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रगुप्ती संकल्प कहता है कि हम मेरिट लिस्ट में आएंगे, राइट? तो ये एक प्रतियोगिता है। क्या प्रतियोगिता है? लोगों के बीच में जाना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ चाय कॉफी जो भी है वो पीना है, प्रेम भरी बातें करना है। क्राइम फ्री भारत के जो 2700 वीडियो में से जो वीडियो आपको अपनी परिस्थिति में ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको सुनना है, सुनने के बाद सामने वाले से पूछना है कि आपको सदस्य भूमिका में जुड़ना है कि चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़ना है। यदि उसे कोई सामने वाले के दिमाग में कोई जेहन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका जवाब यदि आप देने की स्थिति में है तो दे दीजिए, अन्यथा वो सब प्रश्न जो है ना आप मेरे पास फॉरवर्ड कर दीजिए, हम उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस और संगोष्ठी के माध्यम से उनके सभी प्रश्नों के जवाब उन तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना? जी फिर एक और चीज की गई है कि कुछ लोगों को सोचने के लिए समय चाहिए, राइट? जी वो दुनिया भर की बुरी चीजें करेंगे तो उसमें कोई सोचने का समय नहीं चाहिए, लेकिन बिना 5 पैसे खर्च किए देश के बदलने की व्यवस्था में हर किसी को सोचने के लिए समय चाहिए, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा है ना, जिसमें जी उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ऐसे 5 पैसे ना खर्च करने वाले में उसे जरूर सोचने की समय चाहिए। तो उसे सोचने का जी समय दिया जाए और उसको हमने जी नाम दिया है विचाराधीन सदस्य। जी मतलब अभी वो सदस्य बन गया है, ये घोषणा नहीं की है, अभी वो और सोचना और समझना चाहता है। वो तब भी सोचना समझना चाहता है जब जबकि उसके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उसे किसी को कुछ नहीं देना है, ठीक है ना? जी राइट? तो जी इनको जो है नाम नंबर, अच्छा एक बड़ा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था में
मोबाइल फोन का बहुत उपयोग हो रहा है, तो हमें अपने गरीब भाइयों को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि वो जो है स्मार्टफोन खरीद लें। आजकल 1,500, 2,000, 2,500 में आ जा रहा है, तो सबसे छोटा वाला जो जिसमें सबसे कम फीचर हो वो वाला भी खरीद लेंगे 2,500 का, तो भी काम बन जाएगा, जी राइट। वैसे भी अभी वो छोटा वाला फोन कर रहे हैं वो भी तो 1,500-1,500 का आ ही रहा है, तो आजकल कीमत में तो कोई हाँ बहुत फर्क है ही नहीं, राइट। जी जी तो अब जो है चूंकि स्मार्टफोन पे वो पहुंच जाएंगे, तो उनके पास वो ऑडियो वीडियो सब चीजें पहुंचाई जा सकेंगी, जो कि वो बाकी लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब जो चंद्रगुप्त है ये ओपन कंपटीशन है, और कंपटीशन किस चीज का है, अपने लोगों के बीच में पहुंचना है, उन्हें ऊर्जाकृत करना है। तो जैसे आप प्रवचन देते हैं या मैं बोल रहा हूं, यही प्रक्रिया ही ऊर्जाकृत करना, राइट। जी जी संकल्प दो है, एक है सदस्य संकल्प जिसमें 90 लोगों को जोड़ना है, दूसरा चंद्रगुप्त ही संकल्प है जो कह रहा है कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा, ठीक है ना। जी और प्रतियोगिता का आकलन कैसे होगा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो प्रतियोगिता में नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है ना। तो जी हर प्रतियोगिता का एक रिजल्ट डिक्लेयर होने का दिन फिक्स होना चाहिए, राइट, नहीं तो कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा भाई साहब, ठीक है ना। जी तो इस प्रतियोगिता का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। जी ये चीजें बड़ी ध्यान से बारीकी से समझिए, और क्योंकि आपको जी प्रवचनों में भी ये बात कहना पड़ेगी बाद में, जी राइट, क्योंकि वो हमको भी सुनेंगे और आप उसको दोहरा भी दीजिए, ठीक है ना। जी तो ये रिजल्ट निकलेगा जिस दिन संबंधित चुनाव की घोषणा होगी, जी हाँ क्लियर। इसमें चंद्रगुप्त के भी 4 स्तर हैं, एक है राष्ट्रीय चंद्रगुप्त जिससे जिसको हम संसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं, जी दूसरा है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे जिसको हम विधायकी चंद्रगुप्त कहते हैं, जी तीसरा है जिला स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर निकल के आएंगे, और जी चौथा है ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे पंच सरपंच निकल के आएंगे। जी तो आगे चल के केवल एमएलए एमपी नहीं, पंच सरपंच भी इसी चंद्रगुप्ती व्यवस्था के प्रोडक्ट होंगे, जी जो इन 21 लक्ष्यों से समर्पित हो, जी क्लियर। तो जी रिजल्ट डिक्लेरेशन क्लियर हो गया, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट का आधार क्लियर हो गया कि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो नंबर 1 कहलाएगा। अब उसमें आगे की भी चीज पूरी पारदर्शी है कि जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी तो रमा शंकर जी मिश्रा, आप सबसे ज्यादा जाके प्रवचन करेंगे और आप सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री जी बनने की संभावना किसकी, रमा शंकर या रमा शंकर या किसी भाई की ही होगी कि नहीं होगी। तो जी एक जी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी अच्छा, यहां पर जो मुख्यमंत्री और ऊपर के जैसे 40 या 45 जितने भी मंत्री होते हैं, जी उतनी मेरिट लिस्ट में जो आ जाएगा वो मंत्री बनना भी उसका तय। जी अब जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक होते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में 403 होते हैं, तो यदि हम राज्य की बात करेंगे तो 403 जो सदस्य जो है उत्तर प्रदेश के केस में मेरिट लिस्ट में आएंगे, मध्य प्रदेश की उत्तर मेरिट लिस्ट में 230 लोग, ठीक है ना। अब जी यदि अपन राष्ट्र के स्तर पर बात करेंगे तो हमारे सांसद होते हैं 545, जी दो सांसद जो है आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है, तो जी 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 केवल 543 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़के जीतते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्तर की जो चंद्रगुप्त की लिस्ट होगी उसमें 543 लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, राइट। अब मेरिट लिस्ट पे आ गए और पीछे जो जुड़ने वालों की संख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी। कितने से ज्यादा हो जाएगी, 100 करोड़ से अधिक। मैं उस बात को भी अभी आपको समझाऊंगा। अभी आप मान लीजिए कि 100 करोड़ हो जाएगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो हम संकल्प ले रहे हैं उससे बहुत छोट जल्दी और उससे बहुत कम में हम जो है ना 100 करोड़ हो जाएंगे। संकल्प को जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, राइट, हम उस संकल्प से बहुत कम में भी 100 करोड़ हो जाएंगे, क्लियर। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर से। अभी 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 केवल ये बताते हैं कि
ऊपर से लेके पूरी व्यवस्था जो है इन चंद्रगुप्तों की होगी, और इन चंद्रगुप्तों के पीछे चाणक्य की फौज खड़ी है जिसका नेतृत्व मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं, जी जिन्होंने टेक्नोलॉजी से लेके कानून से ड्राफ्ट लेके हर चीज का खाका बना के रखा हुआ है। एग्रो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है जो किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाएगा। जो आयुष मॉडल है वो आपको निरोगी और दीर्घायु बना देगा। ऐसा जो है आपका पानी का जो स्तर जो आज 400-500 फीट नीचे चला गया है वो 3 या 4 साल में ही 8 फीट पे आ जाएगा। तो ये अब प्रकृति रिवर्स होने वाली है। जो आपने रासायनिक चीजों से लेकर जितना अत्याचार किया है वो विलुप्त हो जाएगा, तो आपका कैंसर भी विलुप्त होने वाला है। तो जी इतनी बड़ी बड़ी चीजें होंगी, और चंद्रगुप्त को क्या करना है, केवल अपनी पोजीशन बना के वहां स्थापित हो गए हैं, बाकी पूछे कानून का ड्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब काम कौन कर रहा है, कोई दूसरा कर जी रहा है। उस पर चर्चा करके हां की जीत और ना की हार करके वो कानून का रूप बन जाएगा, राइट। जी तो आप बताओ, चंद्रगुप्तों को दिमागी तौर पर बहुत पहलवान होने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं है, राइट। लेकिन वो उसके प्रति समर्पित जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो हर दिन उसी की आराधना कर रहे हैं ना, हर किसी को वो 21 लक्ष्य तो समझा रहे हैं वो, राइट, और लोगों को जी जोड़ रहे हैं। तो उस प्रक्रिया के दौरान वो पूरी तरह से जो है, जैसे जय गुरुदेव बाबा को समर्पित हो जाते हैं, ऐसे 21 लक्ष्यों के उनकी भविष्यवाणियों को समर्पित अपने आप हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। तो ऐसी खाकी व्यवस्था की गई है। तो जो सदस्य होंगे क्राइम फ्री भारत के वो 100 करोड़ हो जाएंगे, और ये 100 करोड़ लोग अपनी छत पर जाकर 35 बार जो है अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे। तो पहला संकल्प कब से चालू होगा? जब वो पहला संकल्प हो रहा है जब वो आपके कहने पर जुड़ रहे हैं, राइट, जी मतलब जब आप गए, आपने उन्हें समझाया, वो जुड़ गया, तो उन्होंने आपके फेवर में वोट दे दिया कि नहीं दे दिया? जी हाँ तो पहला वोट उसने कब दे दिया? जब जो है आपसे जुड़ा वो। जी फिर जिस दिन से जो है चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन तक वोटिंग होगी, इस पूरे दौरान जो है वो अपनी छत पे खड़े होकर हर दिन संकल्प लेगा कि रमा शंकर मिश्रा मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो जी यदि मान लो 34 दिन की विंडो है चुनाव के और घोषणा और उसके बीच में, मैं अंदाज से कह रहा हूं, तो उतनी बार वो संकल्प लेगा, राइट। जी हाँ और फिर जो है ना वोटिंग वाले दिन पे जो है ना ईवीएम मशीन पे बटन दबा के अपना वोट देगा। तो उसने आपको कितनी बार वोट दे दिया? 35 बार जी दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ हाँ बिल्कुल दे दिए। तो आप बताइए, इससे विजिबल डेमोक्रेसी कोई हो सकती है क्या? ना इसमें जो है सीएम कौन बनेगा नंबर 1 वाला, तो जी मैथिली शरण गुप्त तय कर रहे हैं क्या कि तुम सीएम बनोगे या ना मेरा ये विधायक बन रहा है या फलाना बन रहा है? ना तो नहीं, नहीं वो तो अपने आपकी आपकी अपनी मेहनत रंग ला रही है। अपनी मेहनत के आधार पर, अपने डिटर्मिनेशन के आधार पर, अपने संकल्प के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर लोगों के बीच में संगोष्ठी करके 21 लक्ष्यों और जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को बार बार बताकर आप जो है जो स्थान पाएंगे वो आपके हाथ में है, जी राइट। तो वो 1 पे हुआ तो मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि वो शुरू के 40-45 जितने भी मंत्री होते हैं, यदि उस मेरिट लिस्ट में आ गया तो उसका मंत्री बनना तय है। और यदि अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 की मेरिट लिस्ट में आ गया तो उसका विधायक बनना तय है। जी सब कुछ उसके हाथ में है। हाँ जी और जब जो है ना पब्लिक के लोग जो खड़े होके वोट जो है ना संकल्प लेंगे, तो बिना चुनाव उसको चुनाव प्रचार की जरूरत है क्या? जी नहीं क्या जरूरत है। जब मतदाता खुद कहेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, और वो एक बार नहीं 35 बार कह रहा है कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, और थाली भी बजा रहा है, दीपक भी जला रहा है, और अपने छत पे खड़े होकर घोषणा कर रहा है, जी तो ऐसे चंद्रगुप्त को विजयी होने से कोई रोक सकेगा क्या? जी नहीं जी नहीं आज के राजनेता ना केवल पराजित होंगे, अधिकांशों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी। राइट। चलिए, तो अब जो है ना केवल एक पैच फंसा हुआ है 100 करोड़ का, ठीक है ना। जी
ये एक ही पैच बचा आपके, और कोई पैच है अभी? नहीं, जो मैंने आपको हाँ बात समझाई उसमें सब पैच खुल गए, एक पैच केवल अभी भी लगा हुआ है कि 100 करोड़ कैसे जी होंगे, जी 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 ये यही पैच है। तो अब मैं इसको समझाऊं, हाँ बिल्कुल समझाइए। तो आप ये मानिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये अभियान चालू किया, 1 मिनट के लिए कल्पना कर लीजिए, और रमाशंकर मिश्रा नाम नंबर 1, और हमने जी 8 और व्यक्तियों से बातचीत की, जी हाँ क्लियर? हाँ या नहीं? हाँ तो हम, मुझे मिलाकर आप शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी नहीं, हाँ 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 9 लोगों को हम दें, बिल्कुल 10 हो बिल्कुल हो जाएंगे। जाएगी जी तो हाँ हो आज जाएगी हम 10 हो गए हैं, और वो 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं और शपथकृत भी हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? हाँ क्लियर? हाँ तो ये 10 लोग जब जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 10 10 को जोड़ेंगे? अरे बिल्कुल हो जाएंगे तीसरे दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो गया। हाँ जी। अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि साहब, जो है आदमियों को जोड़ना इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि कितना आसान है, और जो संकल्प हम ले रहे हैं उस संकल्प से कितने कम में हमारा काम होने वाला है, ठीक है ना? जी तो हम आपको सीधे 9वें दिन ले जाते हैं। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे, और इस प्रकार हम 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है? तो ये 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन में जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन में हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोगों को किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, मात्र जुड़ जाना है। इतने मात्र से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। क्या खुद को जोड़ना कठिन है? जी तो बहुत आसान हो गया, 100 में से 90 करोड़ की जर्नी तो सिर्फ खुद जोड़ के ही काम पूरा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा चलिए, अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े रहे हैं, और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। जी अब हम जी अपने रेखा गणित को थोड़ा सा अपने लाभ के लिए इन 2 दिन को हम जोड़ देते हैं, तो इन 2 दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, 8वें दिन और 9वें दिन, राइट? जी और ये 2 दिन में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को यदि एक जोड़ देते हैं तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। तो पति अपनी पत्नी को, या बच्चे को, या एक रिश्तेदार को, या एक पड़ोसी को, किसी एक व्यक्ति को भी यदि हम जोड़ देते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? जी नहीं। तो 99 करोड़ का काम तो सरल हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल हो गया अब अपन 1 करोड़ पे आते हैं, ठीक है ना? जी अब 1 करोड़ पे आते हैं। तो 1 करोड़ में मैथिली शरण गुप्त ने जिसने काम चालू किया, हाँ उनके एक व्यक्ति के पास ही पूरे 9 दिन है, राइट? जी तो मैथिली शरण गुप्त को, अकेले को, एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। केवल कितने को? एक व्यक्ति। किसको? जी एक व्यक्ति को केवल, राइट? अब जी जो रमाशंकर मिश्रा जी हैं और उनके साथ 8 लोग और हैं, टोटल इन 9 लोगों के पास 1 दिन तो खत्म हो गया, अब बचे 8 दिन। तो रमाशंकर मिश्रा जी को कितने लोगों को जोड़ना है? मात्र अस्सी जी लोग मात्र 80 लोगों को, राइट? 10 10 दिन को जोड़ेंगे, 8 दिन बचे हुए, तो 80 लोगों को जोड़ना है। तो ये 80 लोगों को जोड़ कितने लोगों को जोड़ना है? मात्र 9 लोगों को। कितने लोगों को? नौ मात्र 9 लोगों को, 80 80 लोगों को जोड़ना है, राइट? जी अब दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, जिससे अपन 100 हो जाएंगे, 10 पहले हैं, 90 लोग जुड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। जी तो जो दूसरे दिन जो है, जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास तो 7 दिन ही बचे, हाँ तो केवल 90 लोगों को, केवल 90 लोगों को 70 70 लोगों को जोड़ना है। जी तीसरे दिन जो है 900 लोग जुड़ेंगे, केवल
क्योंकि 100 लोग पहले के हैं, राइट। तो जो 900 लोग जुड़ेंगे और दोनों को मिला के 1,000 हो जाएंगे, तो जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास कितने दिन बचे? मात्र 6 दिन। 6 दिन। तो मात्र 900 लोगों को, मात्र 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? मात्र 900 को। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ेंगे उनके पास बचे 5 दिन। तो मात्र 9,000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? मात्र 9,000 को। 50-50 लोगों को कितने लोगों को जोड़ना है? केवल 9,000 लोगों को, हाँ राइट। अब जी, पांचवें दिन जो 90,000 लोग जुड़ेंगे उनके पास बचे 4 दिन, तो 90,000 लोगों को 40-40 लोगों को जोड़ना है, राइट। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन बचेंगे तो उन्हें 30-30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास केवल जो है 2 दिन बचेंगे तो उन्हें 20-20 लोगों को जोड़ना है। 9 करोड़ लोगों के पास मात्र 1 दिन बचेगा तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9 करोड़ लोग मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे और 90 करोड़ लोग जो है किसी को नहीं जोड़ेंगे तो भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हो जाएंगे और जी। हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि 90 लोग तो हर सामान्य व्यक्ति जोड़ेगा, सदस्य, राइट। हाँ जी, संकल्प यही है कि नहीं है? यही है। हाँ और चंद्रगुप्त तो कंपटीशन में आएगा तो वो 5,000 को भी जोड़ सकता है, 10,000 को भी जोड़ सकता है, जी, ठीक है ना। हाँ। तो हमारा जो संकल्प है उससे कितने कम श्रम में भी हम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे हाँ, तो फिर हमारे चंद्रगुप्त का विजयी होना पूरा पक्का है कि नहीं है। फिर उसमें कहाँ संशय है। और बदले में आपको जो है बदली हुई व्यवस्था मिलेगी, 21 लक्ष्यों सहित जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां जमीन पे उतर आएंगी, संविधान और विधान बदल जाएगा, व्यवस्था जो है पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। यदि वो पहले तो गलत निर्णय लेगी नहीं, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देना होगा। आपकी गुरुकुल व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जो है क्राइम फ्री भारत हो जाएगा जिसमें 5 सर्टेंटी रहेंगी, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा, अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा और इसमें न्यायाधीशों की और किसी की संख्या बाधा नहीं बनेगी और आपको न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपको अधिकतम 30 दिन में, 3 दिन से 30 दिन, तो 30 दिन अधिकतम है, अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त की एक व्यवस्था की गई है तो डिजिटल चित्रगुप्त को हर अपराधी के बारे में हर जानकारी होगी, तो आने वाले 3-4 साल में ही अपराधी जब अपने घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम को मालूम होगा कि ये व्यक्ति अपराध करने निकल रहा है, इसके साथ ये 4 लोग और हैं, इसके किस वाहन में जा रहे हैं, उसके पास कोई घातक हथियार है कि नहीं है, वो किस रास्ते से जाएगा और वो उसके अपराध का जो है टारगेट कौन है, इसका अनुमान सिस्टम लगा सकेगा और अपराध घटित करने के पहले उसे गिरफ्तार कर लेगा, तो आपको अपराध करने का ऑप्शन नहीं बचेगा। ये चौथी सर्टेंटी है। और पांचवी सर्टेंटी है कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ ही मालूम है कि कौन अपराधी है, तो सिस्टम खुद जाके अपराधी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई साहब पुनर्वासित हो जाइए, रिहैबिलिटेट हो जाइए, तो अपराधी ही नहीं बचेंगे। जी। और उसके पीछे जो डिजिटल चित्रगुप्त की वो बाकी व्यवस्था की गई है कि सामान्य व्यक्ति जो अभी रिएक्शनरी क्राइम करता है या मजबूरी में क्राइम करता है, क्योंकि उसे मिलता लगता है कि सिस्टम तो न्याय देगा नहीं, इसने मेरे बाप की हत्या की, तो वो जाके दूसरे की हत्या कर देता है। हाँ ऐसा ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो रिएक्शनरी क्राइम भी खत्म हो जाए। जी लोग बाग जो कहते हैं ना, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो मैंने थोड़ा सा खाका अपराध की दृष्टि से आपको बता दिया है कि कैसे कलयुग से कलयुग जाने वाला है, कैसे
कैसे कलयुग नहीं से कलयुग सतयुग आने वाला है, ये कुछ झलक आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं बिल्कुल बिल्कुल मिले। तो ऐसी जो है 21 व्यवस्थाएं हैं जहां न्यायाधीश अन्याय नहीं कर पाएगा। जी यदि न्यायाधीश अन्याय करेगा तो उसको महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा, उसे क्षतिपूर्ति देना होगी और वो जज नहीं बचेगा। जी तो न्याय जो है ये बादशाह नहीं बनेंगे, लॉर्ड नहीं बनेंगे, ये सच में न्यायाधिपति बनेंगे। आज तो ये बहुत सारे इसमें भ्रष्टाचारी भी बने हुए हैं और न्यायाधिपति भी बने हुए हैं, उनका न्याय जी से कोई लेना देना नहीं है आज। कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसी इसमें आपको जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि हम पूरी श्रद्धा से बढ़ जाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं आपके SMS से। तो जी एक तो आप ऐप से जुड़ जाइए, ठीक है ना, जी और दूसरा जो है मैं आपको क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को भेज रहा हूं, तो उसके वीडियो आप देखिए और हम 2-3 दिन में एक चर्चा करेंगे। वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे जिससे हम और आपकी बात दुनिया सुन पाए और हमारे भावों को भी वो देख पाए। जी ठीक तो उससे क्या होगा कि रामाशंकर मिश्रा जी जो है अभी जो एक छोटे मोहल्ले में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी देख पाएगा, जी ठीक है ना। और बात जो है जन जन तक पहुंच पाएगी, तो नशा मुक्ति की और शाकाहारी होने का तो संदेश पहुंचेगा ही पहुंचेगा। व्यवस्था परिवर्तन का केवल संदेश अकेला नहीं पहुंचेगा, व्यवस्था परिवर्तन की पूरी भूमिका पहुंच जाएगी और हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपको इस रूपरेखा के बारे में कुछ आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हो तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझसे पूछिए। नहीं, अभी तो कोई प्रश्न, फिलहाल आपने जितना बताया तो उसपे तो कोई प्रश्न, उस मतलब सुनने के बाद कोई प्रश्न हमारे अंदर नहीं उठ रहा है, लेकिन जब प्रश्न उठेगा तो फिर आपसे उसका समाधान भी कर लेंगे। बिल्कुल, इसका समाधान जय गुरुदेव जी ने ऑलरेडी मुझे तो बताया हुआ है, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको वही बता दूंगा जो मुझे बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पूछेंगे। हाँ देखिए, मैंने जय गुरुदेव जी को कभी पहले ना देखा, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे समाधान सीधे आ रहे हैं। आज मैं ये कोरोलेट कर पा रहा हूं कि वो ईश्वरी शक्ति कर रही थी, अब मैं उस ईश्वरी शक्ति को जय गुरुदेव के रूप में देख रहा हूं। जी। जिस समय वो ईश्वरी शक्ति अपना काम कर रही थी, मैं उन्हें नहीं पहचानता ना मैं उन्हें जानता था, लेकिन आज मैं को रिलेट कर पा रहा हूं कि वह जय गुरुदेव जी ही थे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि हो सकता है गुरु महाराज ने केवल आपको ही उस काम के लिए चुना हो, जो गुरु महाराज ने नहीं सारी नहीं चीज बताई। नहीं 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 उन्होंने कहा है कि ढेर सारी अवतारी शक्तियां जो है पैदा हो चुकी हैं और वो अपने समय पे एक झंडे के नीचे आ जाएंगी, तो वो अवतारी शक्तियों को अब एक झंडे के नीचे आने का समय आ गया है। अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि आपसे एक बार मेरी बात हुई है, एक बार बात हुई है अपनी पहले, नहीं कभी नहीं। कभी नहीं हुई। अच्छा, तो मुझे मिलता जुलता कुछ लग रहा है कि शायद हो सकता है। चलिए, तो मैं आपका ये जी नंबर सेव कर रहा हूं, मैं आपको दो जी लिंक भेज रहा हूं और अगली वार्तालाप हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, और आप सभी गुरु भाइयों को प्रेरित करेंगे कि उनकी जो भी वित्तीय स्थिति हो उन्हें मोबाइल फोन एक खरीदना ही है, 2-2 हजार का खरीद लें, सबसे कम जी फीचर वाला खरीद लें, जिससे वो YouTube चैनल पे जो हमारे वीडियोज परोसे जाएंगे उन्हें देख पाए और वो अपनी बात जो है ना दूसरों तक अपने ही प्रोफाइल से भेज पाए, जिससे वो स्वयं सदस्य और चंद्रगुप्ती जो संकल्प है उसकी पूर्ति कर पाए। ठीक। तो रामाशंकर जी, यदि आप कहें तो मैं इस वार्तालाप को फिर यहीं पे विराम देता हूं। बिल्कुल 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 दीजिए। आपने जो इतना समय दिया यही हमारे लिए काफी है। नहीं, कल उस समय जब हमने आपको सुना तो जी आपकी आंखों में जो भाव मुझे देखने को मिले,
उसको मैंने महसूस किया। जी और मैं आपको जो है उसकी लिंक भी SMS से भेज दूंगा जिसमें वो प्रसारित हुआ है लाइव, तो अच्छा आप ठीक उसे खुद सुन पाएंगे, अपनी बाणी को भी सुन पाएंगे, और उससे जाने कितने लोग सुन रहे हैं, और आगे वो जो है आप उसको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। अभी ठीक जो ठीक हमारी वार्तालाप हुई है ये कल तक या परसों तक जो है अपलोड हो जाएगी, तो ये वार्तालाप भी आपको उपलब्ध रहेगी उसी क्राइम फ्री भारत चैनल पर, तो ठीक उसे भी आप अपने लोगों में प्रसारित कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी को इतने विस्तार में बताने में बहुत ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा जी को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऊर्जा को बचाना भी जरूरी है साहब, और लोगों को बताना भी जरूरी है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो ये बताने का काम भी हो जाएगा और ऊर्जा बच भी जाएगी, जी है कि नहीं? जी तो हाँ जी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वीडियो ऑडियो आपको अच्छे लगेंगे उनको चिन्हित कर लीजिए, और एक व्यवस्था वहां कर दीजिए कि जिससे जब आप प्रवचन वगैरह देते हैं उसके पहले बीच में 3 हमको वीडियो दिखाना है, और वो आपको तय करना है कि कौन से वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे आपके परिवेश में वही सबसे उपयुक्त वीडियो है। ठीक और इसके बाद जो है ना उनसे पूछना है कि वो किस भूमिका में है, और एक रजिस्टर सर्कुलेट करना है, तो डाटा इस्टेब्लिश होता जाएगा, और अपने जिन भाइयों के पास स्मार्टफोन है उन सबको टेलीग्राम डाउनलोड करा दीजिए, क्योंकि ठीक हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करते हैं, व्हाट्सएप से हमारा काम नहीं बन सकता है, क्योंकि टेलीग्राम में 1 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है एक ग्रुप में, तो अच्छा 1,000 ग्रुप बनाने पे हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ठीक समझ अब आप समझ गए हैं कि हम क्यों टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, रहे समझ गए समझ गए क्योंकि 1,000 ग्रुप को थोड़ी मेहनत के बाद मैनेज किया जा सकता है, राइट? उसमें भी हाँ मेहनत लगेगी लेकिन फिर भी मैनेजेबल है, जी लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से तो फिर ये मैनेजेबल ही नहीं है, ठीक है ना? ठीक तो अब रामाशंकर जी, मैं आपको एक बार फिर से साधुवाद देता हूं कि आपकी वाणी में जो ओज है उसे बना के रखिए, जय गुरुदेव की वाणी संतों तक पहुंचाइए, और एक क्राइम फ्री भारत के एक ही लक्ष्य जो है वो जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पे उतारने की एक भूमिका है, वो जन जन तक पहुंचाइए, और उन्हें सदस्यी और चंद्रगुप्ती भूमिका जो जिसको पसंद आ रही है उस भूमिका में हमें देश की जनता को उतार देना है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में पराजित होंगे, और 2024 से एक नई व्यवस्था स्थापित होगी जिसके माध्यम से कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, आएगा और कोई भी व्यक्ति गरीब और भूखा नहीं रहेगा। यदि किसी कारण से वो नहीं कमा पाया है तो व्यवस्था उसको पहुंचकर उसके पास उसकी पूर्ति कर देगी, किसी भी व्यक्ति की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, और 5 वर्षों के अंदर भारत में कोई व्यक्ति गरीब भी नहीं बचेगा। राजीव धन्यवाद दीक्षित जी ने 1835 दो फरवरी 1835 के एक लॉर्ड मैकाले, जिसने आपकी शिक्षा पद्धति को तोड़ा है, उसी व्यक्ति ने 1780 पेज की रिपोर्ट एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 में पेश की थी, जी जिसमें उसने कहा था कि हमने भारत के हर कोने को घूमा, हमें भारत में एक भी भिखारी और गरीब व्यक्ति नहीं मिला। तो नहीं 1835 के से लेके इन दुष्टों ने कितना लूटा कि हम भारत, वही भारत जहां एक गरीब नहीं था वहां एक के बाद एक भुखमरियां हुई, जाने कितने लोग भुखमरी में मर गए, कैसा लूटा इस देश को। जी देखिए आपके पास दो प्रमाणिक डेट हैं, भुखमरी आई इसका प्रमाणिक है, जी लोग बाग गरीब नहीं थे भिखारी नहीं थे इसका प्रूफ है, वो भी लॉर्ड मैकाले कह रहा है, इसका मतलब है कि इसके बीच में इतना दोहन किया गया कि भारत की जनता गरीब हो गई है, उसे खाने के लिए भी नहीं बचा उसके पास। अरे आज अभी वही प्रक्रिया तो जारी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 200% सही कह रहे हैं। अब वो प्रक्रिया हमारे काले अंग्रेज काले नेता कर रहे हैं, जो कल तक पटिए पे बैठते थे आज लाख करोड़ के मालिक हैं,
इन्हें लज्जा नहीं आती है, इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम थोप के रखे हैं, और ये स्वयं अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू हैं, अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादे हैं। जी, तो मेरे ख्याल से अब जो है जय गुरुदेव किया जाए, और जय वंदे मातरम, जय हिंद किया जाए, और अगली बात बिल्कुल अगले बिल्कुल बार सर, में ठीक करेंगे। और अभी हम आपको दो लिंक भेज रहे हैं, वो भी SMS से। ठीक चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सरकार।